बेगूसराय जिले से एक हैरान कर देने वाली, चौंका देने वाली खबर सामने आई है। पुलिस की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया और इस कदम को उठाते हुए प्रेमी युगल की शादी थाने में ही करा दी गई। शादी से प्रेमी युगल काफी खुश है। दरअसल तेघड़ा पंचायत क्षेत्र के चक्रदांत गांव की रहने वाली बबीता कुमारी, जिसकी उम्र 31 वर्ष बताई जा रही है, और दनियालपुर गांव निवासी मोहम्मद कुर्बान के बीच प्रेम प्रसंग काफी सालों से चल रहा था। इस बीच बबीता कुमारी 8 महीने की गर्भवती हो गई। हालांकि बबीता के परिजन इस प्रेम प्रसंग से नाराज होकर बबीता का गर्भपात करा दूसरी जगह शादी करवाना चाह रहे थे। इसी बीच बबीता ने तेघड़ा थाना अध्यक्ष को फोन कर मदद की गुहार लगाई, परिजनों की शिकायत कर दी, जिसके बाद थाना अध्यक्ष संजय कुमार ने बबीता कुमारी और मोहम्मद कुर्बान को थाने में बुलाया। साथ ही गांव और समाज वाले को भी थाने में बुलाया गया। थाना में प्रेमी जोड़े की थाना अध्यक्ष के द्वारा शादी करवा दी गई। थाना अध्यक्ष ने पहल करते हुए जाति धर्म की दीवार को तोड़ते हुए प्रेमी युगल की सहमति से थाने में दोनों की शादी करवा दी। शादी के बाद प्रेमी युगल काफी खुश है और थाना अध्यक्ष का धन्यवाद भी करते नजर आए। थाना अध्यक्ष इस बाबत कहते नजर आए कि रात में एक कॉल आया, जिसमें बबीता ने अपने परिजनों की शिकायत कर मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद जांच पड़ताल करने के बाद बबीता बालिग पाई गई और जाति धर्म के बंधन को तोड़ते हुए दोनों प्रेमी युगल की शादी थाने में करा दी गई। अब यह शादी इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। बेगूसराय से जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। रात में अननोन कॉल आया, जिसका कि नाम पता मुझे मालूम नहीं था, लेकिन ट्रू कॉलर पर उसका नाम बबीता बताया जा रहा था। और वो उसको उसके परिजन हॉस्पिटल ले जा करके ज़बरदस्ती उसका एबॉर्शन करना चाहते थे, और जो जिस लड़के से उनका प्रेम प्रसंग था उससे उसको अलग करना चाहते थे। ये बात किसी भी तरह से मेरे संज्ञान में आई और मैंने इस पर पहल किया। पहल करने के बाद मैंने पाया कि लड़की बालिग है, और बालिग होने के साथ उन्होंने जो भी कुछ किया था, 8 महीने की वो गर्भवती थी और वो चाहती थी कि हम अपने प्रेमी के साथ शादी करें, मेरा घर बसे, हम इसी के साथ। लड़की चूँकि 21 साल की हो गई थी, लड़का भी कमाऊ था, आपसी भाईचारे, जाति बंधन, धर्म का बंधन, जो भी बैरियर था सबको भुला करके समाज की सहमति से, समाज की उपस्थिति में थाना परिसर में दोनों युगल को मिला दिया गया, और उसके नए भविष्य के लिए शुभकामना व्यक्त करते हुए उन्हें यहाँ से प्रेम पूर्वक शादी करा करके विदा करा दिया गया। उनके लोगों से बात करने के बाद ऐसा लगा, उसकी माँ चाहती थी कि लड़के के साथ ये शादी नहीं करें हम इससे, चूँकि 8 महीने की गर्भवती थी, तो ये बच्चा तो गर्भपात कराने के बाद ना तो बच्चा बचता और ना तो लड़की बचती, तो ये इस चक्कर में थी कि लड़के लड़की की जो 9 महीने का जो होता है समय वो पूरा हो जाए और बच्चा, ये बच्चे को ये जन्म दे दे, इस बच्चे को हम किसी को दे दें मुफ्त में या पैसे से, और फिर लड़की की दूसरी शादी के बारे में सोचें। तो ये तो हमको बहुत गुनाह जैसा लगा, इसलिए मैंने उसे बच्चे को नहीं दिया।